नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रंजीता, चीफ मेडिकल ऑफिसर 5 लोटस इंडो जर्मन नेचर केयर सेंटर से। और आज मैं बात करूंगी ओजोन थेरेपी के बारे में, जो कि इजीली एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हम जानते भी नहीं हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और ये कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम हम लोगों ने कितनी लाइफ खोई थी जस्ट बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन। इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले की बात है, जब सार्स आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज़ है, सांस नहीं ले पा रहे थे लोग और कई सारे मेडिसिंस, कई सारे इंजेक्शंस फेल हो रहे थे। उस टाइम ग्लोबली एक गैस का यूज़ किया गया था जिसमें हाई मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ओजोन। आपको पता है ओजोन का जो यूज़ है वो तो अभी अभी वर्ल्ड वाइड हुआ है, बट इसका यूज़ जो है आपका जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसमें भी किया गया था। वहाँ के जो सैनिक थे, सेनानी लोग थे, उनको जो वुंड्स लगती थी, लीजन्स होते थे, बर्न होता था, उस इंजरी के लिए उनको यूज़ किया जाता था। बट अब तो इसको पूरी दुनिया में माना जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे स्टडीज़ किए गए हैं कि ये कितना जल्दी आपके हीलिंग प्रोसेस को एनहेंस करता है। सो ये जो ओजोन गैस है, विच इज़ कम्पोज ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम O3 बोलते हैं। ऑक्सीजन का जो फार्मूला है वो O2 है और ओजोन का फार्मूला जो है वो O3 है। पर ये हीलिंग प्रोसेस इतना बढ़ाता क्यों है, क्यों प्रमोट करता है हीलिंग प्रोसेस? क्योंकि ये ईजली आपके ब्लड वेसल्स के साथ कंबाइन होता है, ईजली आपके टिश्यूज़ के साथ कंबाइन होता है, ईजली आपके लिम्फ के साथ कंबाइन होता है। दैट्स द रीज़न कि हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा बेनिफिट करता है या और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ ओजोन थेरेपी। डिपेंड करता है कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके हिसाब से हम ओजोन थेरेपी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओजोनेटेड वाटर। इसमें ओजोन जो है ट्यूब के थ्रू पानी में इन्फ्यूज़ किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे आप दिन भर में कम से कम 500 ml से 1 लीटर पी सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट्स होता है, सबसे पहले वाटर बॉर्न डिजीजेस, हेपेटाइटिस A, B, C, थर्ड है जिंजिवाइटिस या फिर आपको कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन हो, और अगर आप इसको रेगुलरली पी रहे हैं तो आपको डाइजेस्टिव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, इनफैक्ट ये कैंसर के चांसेस को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट होता है बैगिंग। इसमें एक पॉलीथीन हम कवर करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, एंड इट एक्ट एज अ कीमोथेरेपेटिक ऑन वुंड्स और लीजन्स। एक्चुअली कीमोथेरेपेटिक एक्शन होने की वजह से ये उस पर्टिकुलर एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि लोकलाइज्ड एरिया पे अगर आपको सोरियासिस है या एक्जिमा है, डायबिटिक अल्सर है। रिसेंट हमने एक केस सॉल्व किया था वेरिकोज अल्सर का, जिसमें डॉक्टरों ने कहा था कि इसको सर्जरी करने की ज़रूरत है, वो पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए थे। थर्ड है स्काल्प बैगिंग, जो कि बहुत अच्छा है स्पेशली विमेंस के लिए। एक्चुअली मैन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। और स्काल्प बैगिंग जो है सिर पे किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं स्काल्प बैगिंग को, जिन्हें हेयर लॉस की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है या फिर डैंड्रफ होता है, उस केस में भी हम स्काल्प बैगिंग जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टल इंसफिलेशन। इसमें जो आपका ओजोन है वो रेक्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, रिमार्केबल बेनिफिट देता है, जैसे कि पार्किंसन में, क्रॉन्स डिजीज में, रूमेटाइड अर्थराइटिस में। नेक्स्ट है वेजाइनल इंसफिलेशन, जो कि फीमेल्स में दिया जाता है, और इसके जो मेन कंडीशंस होते हैं एंड्रोमेट्रोसिस, एंड्रोमेट्राइटिस, जेनाइटल कैंसर या पेल्विक इन्फ्लामेशन या पेल्विक से रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन हो, उस कंडीशन में विमेंस को हम वेजाइनल इंसफिलेशन देते हैं। फिर आता है आपका ईयर इंसफिलेशन, मतलब ईयर के थ्रू ओजोन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी में, और ये सबसे अच्छा बेनिफिट्स देता है जिनको साइनस इश्यूज है या थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, बार बार उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है या फिर ब्रोंकाइटिस है या एलर्जिक अस्थमा है या टाइनाइटिस है, इस कंडीशन में हम ईयर इंसफिलेशन देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें ओजोन थेरेपी की ज़रूरत है, या किसी को स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ है या सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।